देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के चानन प्रखंड से है। चानन प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन लगातार चल रहा था। ऐसे में भलुई पंचायत से शशि भूषण ने अपना नामांकन पैक्स अध्यक्ष पद के लिए करवाया। इन्होंने कहा कि किसानों को सरकार से मिलने वाला अनुदान किसानों को जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार से मिलने वाले अनुदान को किसी भी प्रकार से उसे धूमिल किया जाए। इन्होंने कहा कि अब तक किसानों के जो समस्या थी, हमारे जीत जाने के बाद उनका परिपूर्ण तरीके से निदान हो। भैया ये बताएंगे, आज आप अपने कैंडिडेट के नॉमिनेशन में आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर जब आपको अपार समर्थन लोगों के साथ मिल रहा है? भलुई पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के लिए हमने भूषण यादव को समर्थन किया, अपने मन से नहीं, भलुई पंचायत के जनता की मांग है। भूषण यादव 15 साल तक हम लोगों ने पैक्स के अध्यक्ष का कार्यकाल देखा, लेकिन क्या पैक्स होता है, पैक्स में क्या सामान आता है, क्या खरीद बिक्री होती है, हम लोग कुछ कोई आम जनता नहीं जानती है। क्या धान खरीद हुआ, गेहूं खरीद हुआ, खाद आता है, इसलिए कोई कुछ नहीं जानता है। आप नहीं तो पूरे जनता से पूछ लीजिए, कोई जानता कि पैक्स भलुई पंचायत पैक्स है कोई? अगर पैक्स है तो उसमें क्या क्या आपको फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी दूसरी बात, एक गांव विशेष या तो व्यक्ति विशेष का नाम उन्होंने पैक्स के सदस्य में रखा है। भलुई गांव की आबादी लगभग 3000 है, वहां मात्र 100 कुछ पैक्स सदस्यों का नाम है। मननपुर की आबादी भी लगभग 2500 है, वहां लगभग 400 के आसपास नाम है। एक बात बताएंगे, जब आपका कैंडिडेट अगर जीत करके आते हैं तो मुख्य तौर पर किसानों की कौन सी समस्याओं का समाधान आप करेंगे? सबसे पहले तो जीत के तो खैर आएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसे जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है सब जगह से, जीत के तो आना ही आना है। और जनता के लिए समस्या का काम है धान खरीद करना, गेहूं खरीद करना, सरकार का जो रेट बना हुआ है उस पर हम तो, मतलब मेरा तो 100% इसे रहेगा कि आप जनता किसान सरकार की तरफ से जो अनुदान प्रॉफिट जो आता है, रेट जो मिलता है, उस रेट से आप खरीदें। और हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे कहे हुए को अक्षर से पालन करेंगे। आपका शुभ नाम? उपेंद्र प्रसाद वर्मा। कौन से पंचायत से आपका कैंडिडेट है? ग्राम पंचायत भलू। क्या नाम हुआ उनका? शशि भूषण यादव। भैया ये बताएंगे, आज आप नॉमिनेशन करवाने अपने कैंडिडेट के साथ में आए हैं, आपके कैंडिडेट का नाम क्या है और कौन से पंचायत से इन्होंने नॉमिनेशन किया है? हमारा पंचायत जो है ग्राम पंचायत राज भलुई, कृषि साक्षर समितियां जो है, इस समिति के जो अध्यक्ष पद के हमारे हम लोग प्रत्याशी इनको नहीं बनाया, यानी भलुई पंचायत जो है पैक्स का नाम के बारे में, चाहे विकास के बारे में, चाहे किसी भी, चाहे धान खरीद हो, चाहे किसी भी समस्या के बारे में, आज तक जो 15 साल पैक्स जो है इतनी खामियां थी, वो भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए भलुई पंचायत की जनता, खासकर शशि भूषण प्रसाद यादव को जो है चुनाव मैदान में देखते हुए लाया है। उनकी मांग थी और मांग को देखते हुए पूरा करने के लिए हम लोग शशि भूषण यादव के साथ जो है इनको प्रत्याशी बना करके लाए हैं कि भाई आपका जो है जो भी समस्याएं हैं वो अक्षर सह। आपका शुभ नाम? पूर्व मुखिया गणेश रजक। कौन सा पंचायत से? ग्राम पंचायत राज भलुई। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, आपका शुभ नाम क्या हुआ, कौन से पंचायत से आपने नॉमिनेशन करवाया है? मेरा नाम शशि भूषण कुमार, ग्राम बसुआचक और पंचायत भलुई से अध्यक्ष पद के लिए मैंने चुनाव नामांकन किया है। एक बात बताएंगे, पंचायत में किसानों के साथ तमाम समस्या उत्पन्न होती है और होती रही है, जब आप जीत जाएंगे तो किस प्रकार से उनका निदान करेंगे और कौन कौन सी ऐसी समस्या होगी जिनका निराकरण सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले सरकार से जो भी निर्धारित रेट आता है, जैसे धान खाद बीज इत्यादि, और अनाज के रख रखाव के लिए जो गोदाम आता है उसका, और सबसे पहले ये भी करेंगे कि जो हमारे भविष्य का युवा है, वो जो आगे अच्छा देखना चाहता है, और उसका यहाँ तक कि उन लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया, उसका नाम नहीं जोड़ा गया है, जिसका आबादी
लगभग 3000 है, तो उसमें मात्र 150 आदमियों को नाम जोड़ा गया है, और वैसे आदमियों को जोड़ा गया है जो कि कल परसों पैसे के दम पर उसे खरीद ले, और यही 15 साल से चला, क्योंकि मैंने पिछले साल भी चुनाव नामांकन भरा था लेकिन कुछ कारणवश मेरा नामिनेशन रद्द हो गया था, और इस बार हमें भलू जनता के से आशा और उम्मीद है कि इस बार हम जीत के आएंगे, तो जनता भलू ग्राम पंचायत की जनता को जो भी सरकार से उपलब्धि होगी उसको हम पूर्ण रूप से उपलब्ध कराएंगे।